जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय आत्मसंयम योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। 32 श्लोक हम पढ़ चुके हैं इस अध्याय से, आज आगे चलेंगे। अब तक हमने जाना कि जो समता की प्राप्ति सांख्य योग और कर्म योग के द्वारा होती है, उसी समता की प्राप्ति ध्यान योग के द्वारा भी होती है। तो अब अर्जुन ध्यान योग से प्राप्त समता को लेकर आगे के दो श्लोकों में अपनी मान्यता प्रकट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार पिछले श्लोकों को दोहरा लेते हैं साधारण भाषा में। यह मन चपल अस्थिर जहां से भाग कर जाए परे, रोके वहीं से और फिर आधीन आत्मा के करे। जो ब्रह्म भूत प्रशांत मन जन रज सहित निष्पाप है, उस कर्म योगी को परम सुख प्राप्त होता आप है। निष्पाप हो इस भांति जो करता निरंतर योग है, वह ब्रह्म प्राप्ति स्वरूप सुख करता सदा उपभोग है। युक्तात्म समदर्शी पुरुष सर्वत्र ही देखे सदा, मैं प्राणियों में और प्राणी मात्र मुझ में सर्वदा। जो देखता मुझ में सभी को और मुझको सब कहीं, मैं दूर उस नर से नहीं, वह दूर मुझसे है नहीं। एकत्व मति से जान जीवों में मुझे नर नित्य ही, भजता रहे जो सर्वथा कर कर्म मुझ में है वही। सुख दुख अपना और औरों का समस्त समान है, जो जानता अर्जुन वही योगी सदैव प्रधान है। तो अब 33वां श्लोक है, अर्जुन कह रहे हैं। यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वास्थितं स्थिरां चञ्चलत्वास्थिततिं स्थिरां। यानी हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जो यह योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ। तो अब मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान ने गीता में खास बात बताई कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति को लेकर चित्त में समता रहनी चाहिए। इस समता से मनुष्य का कल्याण होता है। अर्जुन पापों से डरते थे, तो उनके लिए भगवान ने कहा कि जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर तुम युद्ध करो, फिर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो जैसे दुनिया में बहुत से पाप होते रहते हैं, पर वे पाप हमें नहीं लगते क्योंकि उन पापों से हमारी विषम बुद्धि नहीं है, प्रत्युत सम बुद्धि रहती है। ऐसे ही समबुद्धि पूर्वक सांसारिक काम करने से कर्मों से बंधन नहीं होता। इसी भाव से भगवान ने इस अध्याय के आरंभ में कहा है कि जो कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है, वही सन्यासी और योगी है। इसी कर्म फल त्याग सिद्धि भगवान ने समता इसी कर्म फल त्याग की सिद्धि भगवान ने समता बताई है। इस समता की प्राप्ति के लिए अब 10वें श्लोक से 32वें श्लोक तक वर्णन किया था। अब इसी ध्यान योग के वर्णन का लक्ष्य करके अर्जुन यहाँ अपनी मान्यता प्रकट करते हुए कहते हैं कि वह पूर्व श्लोक को लेकर नहीं है, प्रत्युत ध्यान को लेकर, ध्यान के साधन को लेकर है उनकी मान्यता। कारण कि यहाँ पे यह पद से इस प्रकरण से पहले कहे हुए योग का संकेत हुआ है
और अयम पद से 10वें श्लोक से 28वें श्लोक तक कहे हुए ध्यान योग का संकेत है। तो यहाँ अर्जुन का आशय मालूम ये देता है कि कर्म योग से तो समता की प्राप्ति सुगम है, पर यहाँ जिस ध्यान योग से समता की प्राप्ति बताई है, मन की चंचलता के कारण उस ध्यान में स्थिर स्थिति रहना मुझे बहुत कठिन दिखाई देता है। तात्पर्य है कि जब तक मन की चंचलता का नाश नहीं होगा, तब तक ध्यान योग सिद्ध नहीं होगा, और ध्यान योग सिद्ध हुए बिना समता की प्राप्ति नहीं होगी। तो अब जिस चंचलता के कारण अपने मन की स्थिति को अर्जुन दृढ़ नहीं देखते, उस चंचलता का आगे के श्लोक में उदाहरण सहित स्पष्ट वर्णन करते हैं। कहते हैं, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। कारण कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रमथनशील, दृढ़, जिद्दी और बलवान है। उसको रोकना मैं यानी आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। यहाँ भगवान को कृष्ण संबोधन देकर अर्जुन मानो यह कह रहे हैं कि हे नाथ, आप ही कृपा करके इस मन को खींचकर अपने में लगा लें तो यह मन लग सकता है, मुझसे तो इसका वश में होना बड़ा कठिन है। क्योंकि यह मन बड़ा ही चंचल है, चंचलता के साथ साथ यह प्रमाथी भी है, अर्थात यह साधक को अपनी स्थिति से विचलित कर देता है। यह बड़ा जिद्दी है और बलवान भी है। तो भगवान ने काम यानी कामना के रहने के 5 स्थान बताए हैं, इंद्रियां, मन, बुद्धि, विषय और स्वयं। तो वास्तव में काम स्वयं में अर्थात चिज्जड़ ग्रंथि में रहता है अपने भीतर, और इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा विषयों में इसकी प्रतीति होती है। तो काम जब तक स्वयं से निवृत्त नहीं होता, तब तक यह काम समय समय पर इंद्रियों आदि में प्रतीत होता रहता है। पर जब यह स्वयं से निवृत्त हो जाता है, तब इंद्रियों आदि में भी यह नहीं रहता। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जब तक स्वयं में काम रहता है, तब तक मन साधक को व्यथित करता रहता है। अतः यहाँ मन को प्रमाथी बताया गया है। तो अब यहाँ पे परिशिष्ट भाव यही है कि सब में आत्मदर्शन अथवा सब में भगवत दर्शन करना ही ध्यान योग का अंतिम फल है। ज्ञान के संस्कार वाले ध्यान योगी सब में आत्मा को और भक्ति के संस्कार वाले ध्यान योगी सब में भगवान को देखते हैं। तो सब में आत्मा को देखना आत्मज्ञान है और सब में भगवान को देखना परमात्म ज्ञान है। आत्मज्ञान में विवेक की और परमात्म ज्ञान में श्रद्धा और विश्वास की मुख्यता होती है, मन की स्थिरता की मुख्यता नहीं। परंतु अर्जुन के भीतर ध्यान योग का संस्कार बैठा था, अतः उन्होंने आत्मज्ञान अथवा परमात्म ज्ञान न होने में मन की चंचलता को हेतु मान लिया है। उनकी दृष्टि ध्यान योगी के भीतर के ज्ञान या भक्ति के संस्कार की तरफ नहीं गई, प्रत्युत मन की चंचलता की तरफ गई, अतः उन्होंने मन की चंचलता को ही बाधक मान लिया है। तो अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन की मान्यता का अनुमोदन करते हुए मन के निग्रह के उपाय बताते हैं। तो भगवान कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यानी हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जा सकता है।
यहाँ महाबाहो संबोधन का तात्पर्य शूरवीरता बताने में है। तो वे कहते हैं कि पहले चंचलता के कारण मन का निग्रह करना बड़ा कठिन है, और भगवान ने कहा कि बात सही भी है, निस्संदिग्ध बात है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। यहाँ पे अर्जुन की माता कुंती का जिक्र करते हुए कहा है कि अर्जुन की माता कुंती बहुत विवेकवती तथा भोगों से विरक्त रहने वाली थी। तो कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था। ऐसा वरदान मांगने वाला इतिहास में बहुत कम मिलता है। अतः यहाँ कौन्तेय संबोधन देकर भगवान अर्जुन को कुंती माता की याद भी दिलाते हैं कि जैसे तुम्हारी माता कुंती बहुत विरक्त हैं, ऐसे ही तुम भी संसार से विरक्त होकर परमात्मा में लगो, अर्थात मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाओ। मन को बार बार ध्येय में लगाने का नाम है अभ्यास, और इस अभ्यास की सिद्धि समय लगाने से ही होती है। और समय भी निरंतर लगाया जाए, रोजाना लगाया जाए, कभी अभ्यास किया कभी नहीं किया ऐसा नहीं हो। तात्पर्य है कि अभ्यास निरंतर होना चाहिए और अपने ध्येय में महत्व तथा आदर बुद्धि होनी चाहिए। तो इस तरह से अभ्यास करने से अभ्यास दृढ़ हो जाता है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सो अभ्यास के दो भेद हैं, अपना जो लक्ष्य ध्येय है उसमें मनोवृत्ति को लगाएं, और दूसरी वृत्ति आ जाए अर्थात दूसरा कोई चिंतन आ जाए तो उसकी उपेक्षा कर दें और उदासीन हो जाए उससे। अब दूसरा, जहाँ जहाँ मन चला जाए वहाँ वहाँ ही अपने लक्ष्य को या इष्ट को देखें। तो इन साधनों के सिवाय भी मन लगाने के और कई उपाय बताए हैं। जैसे जब साधक ध्यान करने के लिए बैठे तब सबसे पहले दो चार श्वास बाहर फेंक कर ऐसी भावना करे कि मैंने मन से संसार को सर्वथा निकाल दिया, अब मेरा मन संसार का चिंतन नहीं करेगा, भगवान का ही चिंतन करेगा। तो यह वासुदेव सर्वम का सिद्धांत है कि मन में जो आ जाए वही भगवान का स्वरूप। दूसरा तरीका है भगवान के नाम का जप करे, और जप में दो बातों का ख्याल रखे, एक तो नाम के उच्चारण में समय खाली न दे, अर्थात राम राम इस तरह का नाम का भले ही धीरे धीरे उच्चारण करे पर बीच में समय खाली न जाने दे, और दूसरे नाम को सुने बिना न जाने दे, अर्थात जप के साथ साथ उसको सुने भी। तो जिस नाम का उच्चारण किया जाए, तीसरा, मन से उस नाम की निगरानी भी रखे, अर्थात उस नाम को उंगली अथवा माला से न गिनकर मन से ही नाम का उच्चारण करे और मन से ही नाम की गिनती करे। तो चौथा तरीका बताया है कि एक नाम का तो वाणी से उच्चारण करे और दूसरे नाम का मन से जप करे। तो जैसे वाणी से राम 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 उच्चारण करे तो मन से कृष्ण 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 का जप करे। जैसे अब पांचवा तरीका बताया है कि जैसे राग रागिनी के साथ बोलकर नाम का कीर्तन करते हैं, ऐसे ही राग रागिनी के साथ मन से नाम का कीर्तन करें। छठा, चरणों से लेकर मुकुट तक और मुकुट से लेकर चरणों तक भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। और सातवां तरीका बताया है भगवान मेरे सामने खड़े हैं ऐसा समझकर भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। भगवान के दाहिने चरण की पांच उंगलियों पर मन से ही पांच नाम लिख दे, उंगलियों के ऊपर का जो भाग है उस पर लंबाई में तीन नाम लिख दे, चरणों की पिंडी का जो आरंभ है उस पिंडी की संधि पर दो नाम के कड़े बना दे, मतलब पूरा ध्यान अपना ईश्वर में लगा दे, कहीं भी भटकने न दे। तो तात्पर्य यह हुआ कि इस तरह से अभ्यास करने के अनेक रूप हैं, अनेक तरीके हैं, अनेक साधन हैं, और साधक भी अपने नए नए साधन सोच सकता है, खुद भी निकाल सकता है तरीके। तो अभ्यास की सहायता के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। तो संसार के भोगों से राग जितना हटेगा उतना मन परमात्मा में लगेगा। अब वैराग्य के भी कई उपाय हैं, जैसे एक, संसार प्रतिक्षण बदलता है और स्वरूप कभी भी तथा किसी भी क्षण बदलता नहीं,
तो अतः संसार हमारे साथ नहीं है और हम संसार के साथ नहीं हैं, जैसे बाल्यावस्था युवावस्था हमारे साथ नहीं रही, परिस्थिति हमारे साथ नहीं रही, ऐसा विचार करने पर संसार से वैराग्य हो जाता है। अब दूसरा तरीका है कि अपने कहलाने वाले जितने कुटुंबी संबंधी हैं वे हमसे अनुकूलता की इच्छा रखते हैं, तो अपनी शक्ति सामर्थ्य योग्यता समझ के अनुसार उनकी न्याययुक्त इच्छा पूरी कर दे और परिश्रम करके उनकी सेवा कर दे, परंतु उनसे अपनी अनुकूलता की तथा कुछ लेने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर दे। इस तरह अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्तु देने से और परिश्रम करके सेवा करने से पुराना राग मिट जाता है और उनसे कुछ भी न चाहने से नया राग पैदा नहीं होता। इससे स्वाभाविक संसार से वैराग्य हो जाता है। तो तीसरा तरीका वैराग्य का बताया है कि जितने भी दोष पाप दुख पैदा होते हैं वे सभी संसार के राग से ही पैदा होते हैं, और जितना सुख शांति मिलती है वह सब संसार से राग रहित होने से ही मिलती है, तो ऐसा विचार करने से भी वैराग्य हो जाता है। तो अब अगले श्लोक में, पूर्व श्लोक में तो भगवान ने अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन के निग्रह की बात कही, अब आगे के श्लोक में ध्यान योग की प्राप्ति में अन्वय व्यतिरेक से अपना मन बतला रहे हैं। तो कहते हैं, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तु मुपायतः। यानी जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। तो यहाँ पे भगवान का कहना है कि साधक के अंतःकरण में विषय भोगों की रुचि रहने के कारण ही वह संयत आत्मा नहीं हो पाता, मन इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाता, इसलिए उसको योग की प्राप्ति में अर्थात ध्यान योग की सिद्धि में कठिनता होती है। तो वश्यात्मा होने का उपाय ये है कि सबसे पहले अपने आप को यह समझे कि मैं भोगी नहीं हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, तो केवल तत्व को जानना ही मेरा काम है, मैं भगवान का हूँ, तो केवल भगवान के अर्पित होना ही मेरा काम है, मैं सेवक हूँ तो केवल सेवा करना ही मेरा काम है, किसी से कुछ भी चाहना मेरा काम नहीं है। इस तरह अपनी अहंता का परिवर्तन कर दिया जाए तो मन बहुत जल्दी वश में हो जाता है। तो परिशिष्ट भाव यहाँ यही है कि वास्तव में ध्यान योग की सिद्धि के लिए मन का निग्रह करना उतना आवश्यक नहीं है जितना उसको वश में करना अर्थात शुद्ध करना आवश्यक है। शुद्ध करने का तात्पर्य है मन में विषयों का राग न रहना। जिसने अपने मन को शुद्ध कर लिया उसका ध्यान योग प्रयत्न करने पर सिद्ध हो जाता है। तो अब वृत्ति का निरोध करने से वृत्ति की सत्ता आती है। यहाँ पे एक बात और कही है भगवान ने कि मुख्य बाधा है राग द्वेष होना, परंतु अर्जुन ने भूल से मन की चंचलता को बाधा समझ लिया था। तो वास्तव में मन की चंचलता बाधक नहीं है, परंतु सब में भगवत बुद्धि न होना और राग द्वेष होना बाधक है, मन का अशुद्ध होना बाधक है। तो वृत्ति का निरोध करने से वृत्ति की सत्ता आती है, क्योंकि वृत्ति की सत्ता स्वीकार की है तभी तो निरोध करते हैं। स्वरूप में कोई वृत्ति नहीं है, अतः वृत्ति का निरोध करने से कुछ काल के लिए मन का निरोध होगा और फिर व्युत्थान हो जाएगा। तो अगर दूसरी सत्ता की मान्यता ही न रहे तो फिर व्युत्थान का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि जिनका अंतःकरण पूरा वश में नहीं है
अर्थात जो शिथिल प्रयत्न वाला है, ढीला ढाला है, उसको योग की प्राप्ति में कठिनता होती है। तो अब इस पर अर्जुन आगे के दो श्लोकों में प्रश्न करते हैं, कहते हैं आयति श्रद्धा योपेतो योगाचलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि काम गतिम कृष्ण गच्छति। यानी हे कृष्ण, जिसकी साधना में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित मना हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। तो यहाँ पे जिसकी साधन में अर्थात जप ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि में रुचि है, श्रद्धा है, उनको करता भी है, पर अंतःकरण और बहिकरण वश में न होने से साधन में शिथिलता है, तत्परता नहीं है, ऐसा साधक अंत समय में संसार में राग रहने से, विषयों का चिंतन होने से अपने साधन से विचलित हो जाए पर अपने ध्येय पर स्थित न रहे तो फिर उसकी गति क्या होती है। तो यहाँ पे तात्पर्य यह है कि उसने पाप करना तो सर्वथा छोड़ दिया था, अतः वह नरकों में तो जा सकता नहीं और स्वर्ग की कामना न होने से स्वर्ग में भी नहीं जा सकता, तथा श्रद्धा पूर्वक साधन लगा हुआ होने से उसका पुनर्जन्म भी नहीं हो सकता, परंतु अंत समय में परमात्मा की स्मृति न रहने से, दूसरा चिंतन होने से उसको परमात्मा की प्राप्ति भी न हुई तो फिर उसकी गति क्या होगी। तो आप उसे कौन सी गति देंगे, आप साधक को किधर खींचेंगे। अब अगला प्रश्न पूछते हुए वे कहते हैं कि कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश्चिन्न अभ्रमिव नश्यति कश्चिन्नो छिन्नाभ्रमः विभ्रष्ट छिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। यानी हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित अप्रतिष्ठ यानी संसार के आश्रय से रहित परमात्म प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित उभय विभ्रष्ट यानी दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। तो यहाँ पर अब परिशिष्ट भाव यही है कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता पर विश्वास था, तभी यहाँ वे योग भ्रष्ट की गति के विषय में प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि इस बात को आपके सिवाय दूसरा कोई बता नहीं सकता। यानी भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता पर, भगवान श्री कृष्ण का की भगवत्ता पर विश्वास होने के कारण ही उन्होंने एक अक्षौहिणी एक अक्षौहिणी सेना जो है सशस्त्र नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान को ही स्वीकार किया था। तो लेकिन यहाँ पे भी अर्जुन का प्रश्न जो है वो सामने नहीं आया। तो अर्जुन का जो प्रश्न था वो है एतन्मे संशयः कृष्ण छेतुम अहर्ष्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते। यहाँ पे कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं
हो सकता। तो अब परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक पाप कर्मों से तो सर्वथा रहित हो गया, इसलिए वह नरकों में तो जा नहीं सकता, और स्वर्ग का ध्येय न रहने से स्वर्ग में भी जा नहीं सकता। तो मनुष्य योनि में आने का उसका उद्देश्य नहीं है, इसलिए वह उसमें भी नहीं आ सकता, और परमात्मा प्राप्ति के साधन से भी विचलित हो गया। तो ऐसा साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? यह मेरा संशय है। तो अब अर्जुन को यहाँ पे परिशिष्ट भाव एक बार फिर से दोहराती हूँ कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता पर विश्वास था, तभी यहाँ वे योग भ्रष्ट की गति के विषय में प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि इस बात को आपके सिवाय दूसरा कोई बता नहीं सकता, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान की भगवत्ता पर विश्वास होने के कारण ही उन्होंने नारायणी सेना को छोड़कर स्वयं निशस्त्र नारायण को स्वीकार किया था। तो अब 38वें श्लोकों में जो अर्जुन ने शंका की थी कि संसार से और साधन से विमुख हुए बिना साधक का कहीं पतन तो नहीं हो जाता, अब उसका समाधान करने के लिए ये जो पिछले श्लोकों में दो तीन प्रश्न अर्जुन ने किए, इनका उत्तर भगवान अब आगे के श्लोकों में देते हैं। लेकिन आज यही समाप्त करूँगी, अगले श्लोक कल, तब तक के लिए आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।